किंग को नहीं मिलेगा प्रिंस का साथ, अकेले ही किंग को करना होगा बड़ा कारनामा। अहमदाबाद पाकिस्तान मैच से पहले भारत के लिए हॉस्पिटल से खबर अच्छी नहीं है। पाकिस्तान बॉलिंग के सामने क्या करेगी रोहित की सेना, ईशान किशन को उठाना होगा बल्ला। 2019 वर्ल्ड कप में भी भारत के ओपनर शिखर धवन केवल एक मैच खेलकर चोटिल हो गए और उसके बाद पूरा वर्ल्ड कप भारत को शिखर के बगैर खेलना पड़ा था। 2023 में भी किस्मत टीम इंडिया से कुछ नाराज ही लग रही है। वर्ल्ड कप में बगैर कोई मैच खेले भारत का प्रिंस बीमार हो गया, और बीमारी भी वो जिसके रिकवरी में समय जाता है। ऑस्ट्रेलिया का मैच तो भारत ने जैसे तैसे जीत लिया, वो तो कोहली और राहुल ने बचा लिया, लेकिन सवाल है कि प्रिंस शुभमन गिल के बगैर विराट कोहली कब तक सब कुछ अपने कंधों पर ढोते रहेंगे। शुभमन गिल को डेंगू हो गया है। डेंगू मतलब कि जब तक प्लेटलेट काउंट सही नहीं होगा तब तक शुभमन का खेलना तो भूल जाइए। बीसीसीआई ने जानकारी दी कि अफगानिस्तान के मैच में शुभमन गिल नहीं खेल सकेंगे, जबकि बात यह है कि शुभमन पाकिस्तान के खिलाफ भी खेल सकेंगे, इस पर सवालिया निशान है। डेंगू में रिकवर करने में समय जाता है, ये कोई आम बुखार जैसा नहीं होता, इसलिए भारत के प्रिंस इस वर्ल्ड कप में वापसी कर सकेंगे ये भी मुश्किल ही लगता है। शुभमन के ना होने से भारत के सामने ओपनिंग की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। शुभमन करियर के बेस्ट फॉर्म में थे, लेकिन उनका टीम के साथ ना होना भारत के वर्ल्ड कप अभियान को झटका दे सकता है। हालांकि ओपनर शुभमन गिल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। दरअसल शुभमन गिल को डेंगू फीवर के बाद चेन्नई के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल नहीं खेल पाए थे। अब भारतीय टीम बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। शुभमन गिल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन क्या वो भारत पाकिस्तान मुकाबले में खेल पाएंगे? एक स्पोर्ट्स वेबसाइट के मुताबिक शुभमन गिल का प्लेटलेट्स कभी कभी कम हो जा रहा है। शुभमन भारतीय टीम के साथ दिल्ली नहीं जा सके। इसके अलावा शुभमन गिल तकरीबन पूरी तरह फिट हो चुके हैं। बीसीसीआई ने शुभमन गिल पर बयान जारी किया है कि शुभमन भारत अफगानिस्तान मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। डेंगू के बाद शुभमन का प्लेटलेट काउंट 90,000 प्रति माइक्रोलीटर तक कम हो गया था, जबकि एक मेंस एथलीट के लिए यह प्रति माइक्रोलीटर 1,50,000 से 4,50,000 के बीच होना चाहिए। जानकार डॉक्टरों का मानना है कि अगले 2 दिनों में उनका प्लेटलेट काउंट बढ़ सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है कि वह 14 अक्टूबर से पहले पूरी तरह फिट हो जाएंगे। भारत वर्ल्ड कप हारता हो तो हार जाए, लेकिन पाकिस्तान से हारना क्रिकेट फैंस को बिल्कुल गवारा नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा। अगर शुभमन की हेल्थ ठीक होती है तो वो सीधा अहमदाबाद जा सकते हैं। डेंगू के कारण गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पहला मैच नहीं खेले थे। उनकी जगह ईशान किशन ने मैच में ओपनिंग की थी, वो बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। शुभमन गिल इस साल शानदार फॉर्म में है। गिल 2023 में वनडे में भारत के टॉप स्कोरर है। इस ओपनर ने 2023 में 20 वनडे मैचों में 72.35 की औसत और 105.03 की स्ट्राइक रेट से 1,230 रन बनाए हैं। उनके 6 वनडे शतकों में से 5 शतक इसी साल आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।